नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये है टेस्ट नंबर आपका 35। ठीक है, 35 नंबर है ये। मैंने बोला जैसे कि ज़्यादातर टेस्ट हम लोग फ्री कर देंगे, ये मतलब वीडियोस सभी के फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें 100 क्वेश्चन हैं और सबके आंसर के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेन फोकस रहेगा एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको इनमें से इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, इन सब की जितने भी हैं वीडियो 10 बन चुके हैं अभी और ये 11वां है। इनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट टाइम पे क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स की जो फीस है रिड्यूस कर दी गई, 2900 कर दी गई। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लास्ट टाइम के लिए PDF है, उसमें पढ़ सकते हैं आप। इनमें से आपको इनकरेक्ट वाला बताना था, इसका आंसर है बी। ठीक है, पहला वाला सिर्फ इनकरेक्ट है। अगर आप लैंड यूज़ स्टैटिस्टिक्स 2014-15 की देखेंगे तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 328.7 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, इसमें से जो रिपोर्टेड नेट जोन एरिया है वो 140.1 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये आप इसको याद रखना चाहिए। और ये कितना है टोटल इंडिया के एरिया का, करीबन 43% है ये, 60% नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और ग्रॉस जोन एरिया जो है वो इंडिया का 198.4 मिलियन हेक्टेयर है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है आपकी 142% है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक टेस्ट में मैंने पूरा बताया था कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, नेट सोन एरिया किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी मैंने 42 वाला जो टेस्ट बताया था। नेक्स्ट है, इसमें ये चार बोर्ड दिए हुए हैं और इनमें आपको बताना है इनके हेडक्वार्टर को नॉर्थ से लेकर साउथ तक अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए, कोकोनट जो डेवलपमेंट बोर्ड है इसका जो हेडक्वार्टर है केरला में। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ लोग पूछ रहे थे जैसे कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। कोकोनट का पूरा दुनिया में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और इंडिया में कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केरला फिर से। ठीक है, केरला नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है तमिलनाडु। लेटेस्ट फैक्ट है, मैंने पूरा चेक कर लिया है। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो गुड़गांव हरियाणा में है, और उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो है ये नई दिल्ली में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट ये हैदराबाद में है। ठीक है, इसकी पूरी मैंने लिस्ट दी हुई है, वो देखनी ज़रूरी है। यहाँ पे एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, ये आप एक बार देख लीजिए इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे, कई बार आ जाते हैं ये। जैसे ये ऑटोनॉमस बॉडी हैं सभी। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है कोची में, केरला ही 1 का प्रोड्यूसर है कोकोनट का। नेशनल हॉर्टिकल्चर बैंक है आपका, सॉरी बोर्ड है ये गुड़गांव में। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है दिल्ली में। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग वाला जयपुर में है। प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट वाला है आपका हैदराबाद में। कोल्ड चेन डेवलपमेंट वाला आपका है दिल्ली में। तो ये थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें से करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड वाले में तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट बताना है। अच्छा, इंडिया की जो लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी है, ठीक है, वो आपकी कौन सी है ये बताना है, और लार्जेस्ट इम्पोर्ट वाली कौन सी है, शेयर कितना है, ये तीन चीज़ें यहाँ पर बतानी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये एक्चुअली जो एग्रीकल्चर रिपोर्ट आई थी उसमें एक और अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। तो लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट हमारी कमोडिटी है जो आपकी एग्रीकल्चर में, वो मैंने पहले बताया था बासमती राइस, वो नहीं है, मरीन प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मरीन प्रोडक्ट है, 2nd पे है बासमती राइस। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, याद रखिएगा। ये देखिए, अब एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो स्टैटिस्टिक्स आती है बुक, उसमें तो बासमती राइस ही दिया हुआ है, 2 पे स्पाइसेस दिया हुआ है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एक न्यूज़ आई थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया था, लार्जेस्ट जो हमारी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी है वो मैरीन प्रोडक्ट है। ठीक है, 2 पे बासमती राइस है, और लार्जेस्ट इम्पोर्ट कौन सा है, वो वेजिटेबल ऑयल ही है। ठीक है, और जो हमारा शेयर है एग्रीकल्चर इम्पोर्ट का, वो टोटल इम्पोर्ट का ये बढ़ा है। ठीक है, इसमें से अगर आप देखेंगे तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, थर्ड वाले में से, इसका आंसर है यहाँ पे सी। ठीक है, पहला वाला जो है वो गलत है, वो इस केस में भी गलत है क्योंकि यहाँ तो स्पाइस लिखा हुआ है ना। दूसरा वाला सही, तीसरा वाला सही है। ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्ट याद रखिएगा क्या है, मरीन प्रोडक्ट है, बासमती राइस नहीं। बासमती राइस 2 पे आ गया है, और ये लेटेस्ट न्यूज़ में आई थी, मैं लेटेस्ट न्यूज़ में अपडेटेड रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, दीजिए आप।
फोर्थ में यहाँ पे चार स्टेट तीन स्टेटमेंट है, और इसमें से आपको करेक्ट वाला इनकरेक्ट वाला बताना है। सॉरी, इसका इनकरेक्ट वाला कौन सा है? इसका बी है, पहला और दूसरा सही है। बीटी कॉटन केवल ट्रांसजेनिक क्रॉप है कंट्री में कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, और तीसरा भी सही है कि इस समय करीबन 1400 बीटी कॉटन की हाइब्रिड सीड अवेलेबल हैं, और जो बीटी कॉटन हाइब्रिड है ये 10 स्टेट में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की मिनिस्ट्री नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की है, ये जरूर याद रखिएगा। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आती है जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि ये जो बीटीवीटी है इनके लिए परमिशन देती है। ठीक है, नोडल एजेंसी है, मतलब अगर कोई ये सब हाइब्रिड रिलीज होते हैं तो एक अम्ब्रेला एक्ट है उसी के अंडर में है ये। अम्ब्रेला एक्ट आप जानते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 वाला। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट वाली बात मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। फिफ्थ वाले में बताना है आपको करेक्ट, इसका आंसर होगा सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का वर्ल्ड में। अच्छा, इंडिया कौन सा स्टेट है इंडिया में इस समय फ्रूट्स के प्रोडक्शन में, ये मैंने बताया था अभी आपको एग्री डेटा में, एग्री जो लेटेस्ट जी के था, कंट्री फर्स्ट है प्रोडक्शन में, जैसे कि मैंगो यानी कि आम, बनाना, सपोटा, अनार और आंवला, इन सब में इंडिया फर्स्ट है। और दूसरी बात है कि वेजिटेबल इम्पॉर्टेंट क्रॉप हैं हॉर्टिकल्चर में, बिल्कुल सही बात है। और टोटल प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे इसका तो इनका इतना है 180 मिलियन टन और प्रोडक्टिविटी इतनी है, बाकी सब चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल जो है वो हॉर्टिकल्चर के 59% तो वेजिटेबल ही हैं, बाकी फ्रूट्स भी आते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब यही काफ़ी सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं वो इसमें बताई गई हैं। तो सिक्स वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे डी, जितने भी ये सब लिखे हैं ये सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप्स, स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप, ये सारे के सारे आते हैं हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज किसका है? वेजिटेबल का, सब्जियों का। उसके बाद फिर सेवन्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेट, ये स्टेट को आइडेंटिफाई करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो में लगाना है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा जल्दी से। सेवन्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, 1, 2, 3, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इस समय कौन है? यूपी। और फ्रूट्स का प्रोड्यूसर कौन है? आंध्र प्रदेश। और आपका फ्लावर का प्रोडक्शन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है? तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा सब्जियों का जो है आपका उत्पादक उत्तर प्रदेश हो गया है, फलों का उत्पादक हो गया आंध्र प्रदेश, और फूलों का उत्पादक हो गया है तमिलनाडु, और फिर इसको आप अरेंज कर सकते हैं। एट्थ वाले में करेक्ट आंसर बताना है, इनमें से दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसका आंसर है ए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है वो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन से भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, और जो न्यूट्रिशनल इनटेक है फ्रूट्स और वेजिटेबल का वो अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा है। एक कमिटी बनाई गई थी जस्टिस जी रोहिणी के अंडर में, और वो क्या करेगी, सब कैटेगराइज करेगी ओबीसी को, हालांकि दोनों चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखे और यहाँ पर लिखा है करेक्ट कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नाइन्थ वाले में बताना है आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है कौन सा है ये एक्ट। देखिए, सबसे पहले बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? 1919। ठीक है, ये वाला एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। फिर सबसे पहले आरबीआई स्टैब्लिश की गई थी किस एक्ट के थ्रू? 1935 एक्ट के थ्रू, ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। और फिर ये वाला जो है, जो आपका वॉइस रॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए एक एक्ट आया था वो कौन सा था? 1861। तो ये तीनों एक्ट पता चल गया, अब आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हैं, सी आंसर इसका। दस में से आपको बताना है इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है टेंथ वाले में, इसका आंसर है डी। ठीक है, पहला वाला क्या है, रिसेंटली अभी इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल यहाँ पे किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था? रांची में किया गया था, झारखंड में। तो वाटर कलर फेस्टिवल होता है रांची में, और डीआरडीओ के जो नए चेयरमैन हैं, ठीक है, उन वो कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से। उनका नाम क्या है जल्दी से बताइए। और तीसरा लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है कोकोनट का वो केरला है, अभी मैंने बताया था आपको, याद रखिएगा। इसमें आइडेंटिफाई करनी कंट्री, कौन सा देश है यार, ये कौन है ये? 11th का सी है।
रिसेंटली 2018 की नेल्लूर कंठा स्वामी फेस्टिवल यहाँ पे हुआ था और ये इंडिया का नेबर है, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। ट्वेल्थ वाले में इनकरेक्ट बताना है, इसका आंसर है सी, दूसरा तीसरा चौथा इनकरेक्ट है, पहला वाला सही है। SCO पीस मिशन 2018 वाला रशिया में हुआ था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है नेता ऐप जो है वो इंडियन वोटर्स के लिए किया गया था, ये UK से इंस्पायर्ड नहीं है, ये है USA से इंस्पायर्ड नेता ऐप जो किया गया था, ठीक है। इंडियन वोटर्स अपने जो भी इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वोट करेंगे, सभी जीरो ही पाएंगे फिर तो। थर्ड वाले में वर्ल्ड का फर्स्ट पब्लिक ब्लॉकचेन बॉन्ड बॉन्ड आई ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये किया है किसने, आपका वर्ल्ड बैंक ने किया है बॉन्ड आई जो है, ये वर्ल्ड बैंक का है। और तेजिंदर पाल सिंह तूर ये किससे रिलेटेड है, ये हॉकी नहीं शॉटपुट से रिलेटेड है, अभी आपने देखा होगा एशिया गेम्स में मेडल भी लाए थे, कौन सा मेडल लाए थे वैसे ये। 13 वाले में बताना है आपको कौन सा ये स्टेट है, और इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। 2018 का कृषि कुंभ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है और सेकंड लार्जेस्ट है ये डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल में, थर्ड लार्जेस्ट है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल में। अच्छा यहाँ पे एक मैप है वो आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, देखिए ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताया गया है कि जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, लेटेस्ट डेटा है, इससे ज़्यादा नहीं लेटेस्ट आया कहीं भी, तो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट जो है तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए सबसे पहला जो डेस्टिनेशन इंडिया का तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, थर्ड नंबर पे हमारा UP है, और डोमेस्टिक में भी पहले नंबर पे तमिलनाडु है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो डोमेस्टिक में पहले नंबर पे तमिलनाडु, फिर आपका उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पे यहाँ पे, और आंध्र प्रदेश फिर थर्ड नंबर पे, ठीक है। ये डेटा रट लीजिएगा, अगर मतलब डोमेस्टिक में आएंगे तब भी तमिलनाडु में है नंबर वन, और फॉरेन में भी नंबर वन पे तमिलनाडु है। डोमेस्टिक में UP नंबर थ्री पे है, सॉरी फॉरेन में नंबर UP नंबर थ्री पे है, और डोमेस्टिक में UP नंबर टू पे है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 14th वाला, इसमें आपको कंट्री आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी कंट्री है जिसने अभी लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट जिसके पास आते हैं, और इस ये कंट्री शेयर करती है 5 यूनाइटेड स्टेट से बाउंड्री। अब देखिए इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ये बांग्लादेश है, और फॉरेन टूरिस्ट जो अराइवल के मामले में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा किस कंट्री से आते हैं ये बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं लोग। वैसे इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो नहीं, वो वाला इसमें खैर नहीं होगा। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश से। चलो टेबल ही देख लो, देखिए ये है आपका, तो फॉरेन टूरिस्ट जो है नंबर वन पे है बांग्लादेश से आते हैं इंडिया में, फिर US से आते हैं, फिर UK से आते हैं, फिर कनाडा से आते हैं, ठीक है। तो फॉरेन टूरिस्ट वाला पूरा आपका हो गया क्लियर, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक पे भी तमिलनाडु में आते हैं, फॉरेन में भी तमिलनाडु में आते हैं, किस देश से आते हैं, बांग्लादेश से, इससे। और बांग्लादेश की बाउंड्री है वो सबसे बड़ी है, आपने पता है आपको, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि याद है, ट्रिक है ये, बचपन में MBA किया, ये बड़ी पुरानी ट्रिक है और ये सार कंट्रीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। बचपन यानी कि BA जो है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, फिर चीन है नंबर टू पे, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, ठीक है, फिर म्यांमार है, फिर ये बांग्लादेश है, और फिर अफगानिस्तान है। नहीं, बचपन में अगर आप देखें, बचपन में MBA किया, बांग्लादेश तो पहले ही में आ गया, बचपन में MBA, ठीक है, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, और फिर है म्यांमार, फिर भूटान है यहाँ पे, और फिर अफगानिस्तान है, ये हमारी बाउंड्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 15th वाला, और इसमें बताना है आपको किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है यूथ कॉन्क्लेव अटल सितंबर 2018 में करने के लिए, तो ये कहाँ पे होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में होगा, नाना इसका आंसर, अरुणाचल प्रदेश में होगा यूथ कॉन्क्लेव अटल सितंबर 2018 में। नेक्स्ट इसमें है इस डायनेस्टी को पहचानना है, कौन सी डायनेस्टी है, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और ये डायनेस्टी है वाकाटाका डायनेस्टी, ये इसी के 4 फीचर हैं। वाकाटाका जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर का नाम क्या है, विद्याशक्ति, इसने साउथ सेंट्रल इंडिया में रूल किया है 250 से 500 AD तक, और इम्पॉर्टेंट रूलर हैं ये, और डेक्कन में जैसे कि आपके उसी टाइम पे जो कॉन्टेम्प्रेरी थे गुप्ता थे नॉर्थ में, और ये सक्सेसर हैं सतवाहना के, ठीक है।
तो ये इनमें से कोई नहीं था, इसलिए वह कटका है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें 17th वाला आंसर, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइट कौन सी है, मतलब कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए लार्जेस्ट जो साइट है इस समय अगर आप देखें लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, तो वो है राखीगढ़ी और वो है इंडिया में लोकेटेड। और स्मॉलेस्ट जो साइट है वो कौन सी है, अलादीनो, वो है आपकी पाकिस्तान में। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, याद रखिएगा। ये लार्जेस्ट है राखीगढ़ी इंडिया में और स्मॉलेस्ट है अलादीनो पाकिस्तान में। 17 का आंसर है डी। केवल साइट जहाँ पे गार्ड रूम जो है वो प्रोवाइड किए गए थे, गार्ड रूम भी थे गेट के साथ, ये इंडस वैली का ही क्वेश्चन है। 18 का आंसर है ए, ढोलावीरा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपको ट्रू बताना है 19th वाले में, और इसका आंसर करेक्ट है ए, पहला दूसरा सही है तीसरा गलत है। देवपाल ने नहीं, ये थे कौन, धर्मपाल, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर थे ये, और बिहार में। ह्यून सॉन्ग ने जो है इंडिया विजिट किया था हर्ष के टाइम पे, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट रिकॉग्नाइज जो किंग है गुप्ता के, वो विष्णु गुप्त थे, ठीक है। तो ये तीन, ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। धर्मपाल ने फाउंड की थी ये वाली यूनिवर्सिटी विक्रमशील, 19 का ए है। 20 में आपको पर्सनालिटी बतानी है कि कौन है ये पर्सनालिटी, और इसका करेक्ट आंसर डी, कनिष्क के। ये तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये लड़के मतलब सन था किसका, विमा कदफिसस, ठीक है। इसी के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, और ग्रेटेस्ट कुशान किंग माना जाता है ये। एक देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसको याद करने की ट्रिक मैं बता चुका हूँ, RVPK, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कहाँ कहाँ पे हुई थी, और किंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये वाली। 21 इंडस वैली के बारे में आपको क्या क्या सही है वो बताना है, और इसका आंसर करेक्ट सी, तीनों चीज़ें सही हैं। जो ये लोग थे ये मेल और फीमेल दोनों डेटीज़ मतलब भगवानों की पूजा करते थे, सेकुलर सिविलाइजेशन था, और कॉटन यहाँ पे यूज़ किया जाता था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो 21 का सी है। 22 का है आपका, यहाँ पे ट्रू वाला बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत नहीं है। तीसरा वाला सही नहीं है, पहला सही है। इसमें क्या लिखा है, रिलीजन जो था अर्ली वैदिक का वो नेचर को और यज्ञ को ज़्यादा पूजा करते थे, फिर बाद में इंद्र इंद्र आ गए थे ये जितने भी देवता हैं, ठीक है। तो प्री वैदिक वाले में है ये पूछ रहा है, अर्ली वैदिक को पोस्ट वैदिक में जो डिफरेंस है वो यही है। और जैन फिलॉसफी जो बोलती है कि वर्ल्ड जो है वो क्रिएट किया गया और मेंटेन भी किया गया है यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से, भूमि स्पर्शा जो है ये क्या है, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये जैनिज़्म से नहीं, ये गलत है। 23 वाले का आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट यानी कि गलत है, और इसका करेक्ट आंसर है सी, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल था कन्नौज के बीच में, कन्नौज के लिए तीन लोगों के बीच में, तीन उस टाइम पर डायनेस्टी लड़ रही थी, एक पाला थी, एक प्रतिहारा थी, एक राष्ट्रकूटा थी, तीनों ये चाह रहे थे कि कन्नौज में किसी तरह डोमिनेंसी कर ली जाए। तो जीता कौन था, पाला थी, पाला डायनेस्टी जीती थी। 23 का सी है, नहीं सॉरी पाला नहीं, ये गलत है। यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो 2 और 3 गलत है, पहला वाला सही है, ठीक है। तो ट्राइपार्टाइट जो आपका स्ट्रगल था वो किसके किसके बीच में था, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे देखिए जो इसको जीता था ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को, गुर्जर प्रतिहारा यानी कि प्रतिहारा डायनेस्टी जीती थी, तो सेकंड वाला गलत है। देवी तारा जो है वो किनकी चीफ डेटी हैं, वज्रयान बुद्धिज़्म की, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे हिनायान की नहीं, वज्रयान की है ये, तो ये है आपकी। और फिर 24 में आपको बताना है 24 का करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है डी, टेराकोटा क्या होता है, उसके बारे में तीन स्टेटमेंट है और तीनों ही सही हैं। टेराकोटा क्या है, रेड कलर्ड जो क्ले होता है उसको बेक करके बनाए जाते हैं, और फ्लोरा और फोना जो थी उस टाइम पे इंडस वैली उसके लिए था ये, और बहुत सारे ये टेराकोटा फिगर पाए गए हैं आपके फीमेल के, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मदर गॉडेस को ये मैनिफेस्ट करते हैं। 24 में बताना है कौन सा जो है ग्लेशियर वो कराकोरम रेंज में लोकेटेड है, ये वाला बताना है। सी है इसमें, हिस्पार, बायफो, बाल्टोरो और फेडचेंको,
ये सारे के सारे जो ग्लेशियर हैं ये आपके कराकोरम में आपके लोकेटेड हैं। इसमें देखिए पूरी मैंने लिस्ट दी हुई है, अब लिस्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपको मैं इसको शेयर कर दूंगा अलग से या फिर देख लेते हैं एक बार। देखिए ये पूरी लिस्ट है, मैं पढ़ूंगा, आप देख लीजिए इसको। सियाचिन जो है ईस्टर्न कराकोरम रेंज में, फिर चेनको जो है ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है और पोलर रेंज के अलावा, और ये कराकोरम में है, ठीक है। और हिस्पार ये कहाँ पे है, कराकोरम में, बायफो कराकोरम, बालटोरो कराकोरम में है, रोंगबुक है आपका कंचनजंगा में, चोंगलोंगा है ये आपका कराकोरम में, बहुत बड़ा है अभी तो, खुर्दा पल्लो है कराकोरम में, लोलो फोंड है कराकोरम में, आप एक बार देख लो यार इसको, गंगोत्री है आपका इधर, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो बता दे रहा हूँ, कंचनजंगा है, कंचनजंगा एवरेस्ट में, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिए ये सोनापरी पीर पंजाल में, कफनी ग्लेशियर है जो कुमाऊँ गढ़वाल में, कुमाऊँ गढ़वाल में बहुत सारे हैं, मेओला, नामिक, ठीक है, काला बलादंद, ठीक है, पिंडारी जो ग्लेशियर है वो भी इधर है, रलम ग्लेशियर है, काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं, सोना ग्लेशियर है यहाँ पे, सतोपत है, और लोनाक जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, छोटा सिंगरी है आपका पीर पंजाल में, ट्रैंगो है ये आपका कराकोरम में, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 26 में ऑड बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है, इसमें देखिए डी है विषम, यमुना, क्योंकि ये जो तीन है ये ईस्टर्न मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, गोमती, गंगा और घाघरा, ये सब ईस्ट में मिलती हैं ईस्ट, और ये जो यमुना है ये वेस्ट से मिलती है, तो ये आप सॉरी वेस्ट नहीं, ये राइट से मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये सब लेफ्ट बैंक है। लेफ्ट राइट क्या होता है कि जो भी रिवर का ओरिजिन होता है वहाँ से आप जो जैसे रिवर का जो डायरेक्शन है उसमें चलना चालू करो, तो जो आपका लेफ्ट होगा वही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, जो आपका राइट होगा वही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। इसका आंसर है डी, 27 वाले का करेक्ट आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तिरुवल्लूर जो है वो उसके ऑथर कौन थे, तिरुकुरल, और ये क्लासिक तमिल संगम की लिटरेचर है, 1330 यहाँ पे कुरल्स हैं, और ये जो है इसको बोला जाता है फिफ्थ वेदा या फिर बाइबल ऑफ द तमिल लैंड, ये बोला जाता है फिफ्थ वेदा, किसको बोलते हैं, तिरुवल्लूर वल्लूर को, ठीक है। और ये इसके ऑथर सॉरी तिरुकुरल को, और इसके ऑथर कौन है, तिरुवल्लूर, थोड़ा सा ये टफ है टर्म, नॉर्थ इंडियन है हम लोग शायद इसलिए लगता होगा। 28 का है करेक्ट आंसर इसमें ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही सही हैं। राजेंद्र वन जो था वो सन और सक्सेसर था राजा राजा वन का, विजयालया जो था वो फाउंडर था चोला डायनेस्टी का, राजा राजा वन ने ही अडॉप्ट किए थे ये सारे टाइटल जो है आपका, गया गोंडा, चोला मारा टंडा, और ये जितने भी हैं मुम्माटी चोला, ये सब राजेंद्र वन के टाइटल थे, गंगाई कोंडा और ये कोडार गोंडा पुंडिटा चोला, ये बहुत ये सारे टफ टफ जो आर्टिकल्स है ये सब है, तो 28 का ए है यहाँ पे, ठीक है। राजेंद्र वन के लिए एक आपको फेमस बात अगर पता हो तो गंगाई कोंडा करके इसने जो टाइटल लिया था वो कब किया था, जब बंगाल को जीत लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे राजेंद्र वन। 29 का करेक्ट आंसर बताना है आपको इनमें से, और इसका करेक्ट आंसर है डी, 2 और 3, पहला वाला सही नहीं है, जो अशोका के आपके पिलर्स हैं ये तजिकिस्तान में नहीं पाए जाते हैं, बस ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश पर, पाकिस्तान, सब जगह पाए जाते हैं, और ये सबसे पहले टेंजिबल एविडेंस हैं आपके बुद्धिज़्म के। जेम्स प्रिंसिप का आपने नाम सुना होगा, ये पहला था जिसने डिसाइफर किए थे अशोका के एडिट को, और ये जो आपके इंस्क्रिप्शन है ये सारे के सारे पहले टेंजिबल एविडेंस हैं। पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। 30 वाले में बताना है आपको करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, सॉरी 30 वाले का इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। देखिए मैंने अशोका के पूरे 14 मेजर रॉक क्रेडिट दिए थे और वो सब उनकी लिस्ट तो यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसको ऐसा करूँगा, मैं उसकी पिक काट के ओनली यू पी पीसेस में शेयर कर दूँगा, वो ठीक रहेगा, क्योंकि बोलते बोलते फिर गला दर्द होने लगता है। 30 का है आंसर डी, ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं, चारों ही सही हैं। यजुर्वेद जो है फॉर्मूला है ये सब, और जादू अदू का होता है अर्थवेद अथर्ववेद में, सामवेद में म्यूजिक वाला हिसाब किताब है, और श्लोक और जितने भी हिम्स हैं जो भजन वजन है वो सब ऋग्वेद में है। तो 30 का है डी, 31 का बताना है, 31 का है सी, ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है और ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है, 31 का सी है।
टोटल 19 ब्राह्मण हैं। अब ये देखें, ब्राह्मणा जो हैं और दो जो हैं वो ऋग्वेदा से एसोसिएटेड है, 6 यजुर्वेदा से, 10 हैं सामवेदा से और 1 है अथर्ववेदा से। तो सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मणा है वो कहाँ, किसके पास है, वो सामवेदा के पास है। एसेंडिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो ऋग्वेदिक काल में था, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र, ठीक है, मतलब राष्ट्र के अंडर में आते थे कई सारे, जन के अंडर में आते थे कई सारे, विश के अंडर में आते थे ग्राम, और के अंडर में कई सारी फैमिली, यानी कि कुल। तीसरा वाला भी सही है, जो ब्राह्मणा है वो क्या है कुल मिला के, सॉरी भारता जो है थे उन्हीं ने नाम दिया था भारतवर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल थे ऋग्वेदा के, ठीक है। तो ये कहाँ, सरस्वती जो एक माइथोलॉजिकल रिवर है और यमुना के बीच में कहीं सेटल थे। 32 का करेक्ट बताना है इसमें, और इसका करेक्ट आंसर है डी, 32 का आंसर है डी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपका मेन, इसमें सिर्फ तीसरा वाला सही है, इसलिए ये पहला वाला दूसरा गलत है। यहाँ पे मेन जो हिस्टोरिकल सोर्स है वो चोला के अंडर में जो विलेज गवर्नमेंट का, वो कौन सा है, उट्रा मेरूर इंस्क्रिप्शन करके है, और पॉटरी सबसे पहले अपीयर कहाँ पे हुई थी, न्यूलिथिक एज में। तो दोनों गलत हैं, ये तीसरा वाला सही है। फिर इसमें आपको अरेंज करना है मौर्य किंग को क्रोनोलॉजिकली, और इसका करेक्ट आंसर है डी, 1 2 3। ये एक बार देख लीजिएगा, क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले चंद्रगुप्त आए थे, फिर बिंदुसार आए, फिर अशोक आए, फिर ये दशरथ है, फिर संप्रति है। एक बार जितने भी ये वंश हुए हैं ना, इन सब की क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 34 का करेक्ट, उसमें आपको ये फाउंडर और लास्ट वाले भी पता चल जाएगा। 34 का यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। ये ड्रोन पॉलिसी का तो मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा आप, और वो इसलिए अलग से नहीं बताएंगे यहाँ पे। इसका आंसर है ए, ड्रोन पॉलिसी पूरा हो चुका है। ज़्यादातर जो अशोकन के इंस्क्रिप्शन थे वो किस लैंग्वेज में थे, ये थे प्राकृत में, ठीक है, बी है इसका आंसर। 36 में कुछ स्टेट लिखे हुए हैं, इनको चाइल्ड सक्सेसिव के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। पहला वाला है कि जिसके पास सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, जानते हैं आप, जम्मू है, जो शेयर करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से बाउंड्री, वो है यूपी, जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है वो है अरुणाचल प्रदेश। अब आप इसको लगा लीजिए चाइल्ड सेक्स रेशियो के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, ये सेंसस में हो चुका है सब चीज़ें। 37 में करेक्ट वाला बताना है, इसका आंसर है करेक्ट ए, पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है यहाँ पे। 38 है, ये कौन था ये वाले बताने हैं यहाँ पे। अब देखिए 38 में ये मतलब समुद्रगुप्त की, इसका आंसर है ए, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को ही जो है वो टाइटल मिला था कविराज का, अर्डेंट फॉलोअर थे वो वैष्णविज्म के, और उन्होंने ही पैट्रोनाइज किया था वासुबंधु, जो एक बहुत ही ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट समुद्रगुप्त के लिए सही है। ये इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके, इनको आप एक बार देख ही लीजिएगा, ठीक है। PDF पढ़ना ज़रूरी है जिन लोगों ने भी इसको लिए, वरना आप यहाँ से पढ़ लीजिए। 39 का करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो फाइन आया था चाइनीज़ ट्रेवलर, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था, मेहरोली जो आयरन पिलर हैं, चंद्रगुप्त 1 के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, और अलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है गुड सोर्स है समुद्रगुप्त के लिए। इसमें आपको करेक्ट मैच करना है 40 वाले का, और इसका करेक्ट आंसर है 40 वाले का करेक्ट आंसर है डी, 1 2 4 5, 3 वाला करेक्ट नहीं है। इसकी पूरी मैंने लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, आपको एक बार देख लीजिएगा, उसकी मैं पिक शेयर कर दूंगा क्योंकि इतना बोलना ठीक नहीं रहे यहाँ पे। तो काफ़ी लंबी लंबी लिस्ट बनाई, वो लिस्टिंग आप लोग देख लीजिएगा, और जो फ्री में यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी फिर यहाँ पे मैं ओनली ओपी पीसेस में शेयर कर दूंगा। 41 में आपको अजीब चुनना है, मतलब इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो 41 का आंसर है डी, 41 का डी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो तीन ये क्या हैं, ये सारे के सारे जो 18 पुराण हैं उनमें से हैं ये, ठीक है। तो जैसे भगवता, विष्णु और वायु, ये तीनों चारों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और मत्स्य जो पुराण है आर भटिया, तो ये अलग एक बुक है ये, जिसको आर्य भट्ट ने लिखा था, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, तो ये बात है यहाँ पे। पंच सिद्धांतिका किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट, ये बात है यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है ये। वरा मिहरा
ने कंपोज की थी पंच सिद्धांतिका, और पांच एस्ट्रोनॉमिकल यहाँ पे सिस्टम बताए गए थे। ठीक है, 43 में आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, 44 में आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे, और इसका आंसर है ए, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। आजीविका जो है एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल का है, और इसको 5th सेंचुरी में स्टार्ट किया था किसने, मक्खली घोसला ने। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स वाले स्कूल हैं, और प्लस जो आपके जो नास्तिक और आस्तिक जो स्कूल हैं, ये ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कौन से, जो आपने देख सुना होगा ये कई सारे हैं, संख्या, मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, फिर ऑर्थोडॉक्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, करवाका, आजीविका, ये सब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बता दी, एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स कौन से होते हैं जो वेदा वेदा में बिलीव करते हैं, जैसे वो जितने भी थे संख्या और मीमांसा वो सब। आजीविका तो हीट्रोडॉक्स स्कूल है। ठीक है, तो ये है आजीविका, मतलब ये नास्तिक फिलॉसफी है। नास्तिक में कौन कौन से, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, करवाका और आजीविका, ये सभी हैं। ठीक है, और आस्तिक में वो सब हैं। जैसे अगर आप देखें, मैं पूरा बता देता हूँ यहाँ पर डिटेल में, कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी अगर देखेंगे तो दो हैं उनके मेजर। ठीक है, एक है नास्तिक जो कि वेदा की अथॉरिटी को ही नहीं मानते हैं, और एक है आस्तिक जो वेदा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे। अब उसमें उनका विवाद है, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन ये लोग वेदा की अथॉरिटी को ही नहीं मानते थे, जैसे करवाका, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है, और एक और हो गया आपका आजीविका, और ये आस्तिक वाले कितने हो गए आपके, जितने भी ये संख्या, योगा, न्याया, वैशिषिका, ये सब। ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट जिनका ग्रोथ हुआ, जैसे संख्या, योगा, न्याया, वैशिषिका, और कुछ हैं ऐसा जो वैदिक टीचिंग पे बेस्ड हैं, ये इन्हीं में से। वो कौन से हैं, तो एक स्कूल है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें ये जितने भी रिटुअल्स होते हैं उस पर फोकस किया जाता है, वो है मीमांसा, और जो है एक रिफ्लेक्टिंग एस्पेक्ट जो है वो वेदांता। तो ये है सब कुछ मिला के। तो याद रखिएगा, आजीविका जो है ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये हीट्रोडॉक्स स्कूल है, और 44 का यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे डी होना चाहिए था, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ए, तो ये यहाँ पे करेक्शन है। 45 का बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, और इसका आंसर है डी। ठीक है, देखिए इसमें ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं, ये किसके बारे में पूछ रहा है ये बताना है, ये हर्षवर्धन है, और नॉर्थ इंडिया को रूल किया था 606 से लेकर 647 तक, वर्धाना डायनेस्टी के मेंबर थे, और सन थे किसके, ये प्रभाकर वर्धन के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है आपको इनमें से 46 में, और ये यूपी का मैप मैंने एक बार बताया था, यूपी की ज्योग्राफी उसी से रिलेटेड है ये। देखिए सहारनपुर तो है वो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और सोनभद्र जो है ये साउदर्न मोस्ट है। तो अब बात समझ में आ गई कैसे करना है, ऊपर से नीचे हो जाएगा। ईस्ट से वेस्ट करना है यहाँ पे यूपी में। अब देखिए इसमें भी क्या हिसाब किताब है, बलिया तो है वो ईस्टर्न मोस्ट है, और शामली है वेस्टर्न मोस्ट, तो बस आप अरेंज कर लीजिए इसमें। फिर ये 48 में बताना है कि 47 का वैसे आंसर क्या था, सी। 48 में बताना है कि जो स्टेट दिए हुए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन तीनों के लिए, तो ये है यहाँ पे, और इसमें किसका किसका है, 48 का, ये मैं बता चुका हूँ इसे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, इसमें आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक पूरी पूरा वीडियो दे चुका हूँ 20-25 मिनट का, उसमें पूरा देख लीजिएगा, सारा कुछ बताया गया है। 49 में बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, परसेंटेज को इसमें, और इसका 49 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी। ठीक है, 132 है ये, और इसलिए क्योंकि जो परसेंटेज है टोटल रूरल पॉपुलेशन का यूपी में वो कितना है, 18.63%, मतलब टोटल रूरल पॉपुलेशन का यूपी का इंडिया में, मतलब यूपी में पूरे इंडिया की 18.63% रूरल पॉपुलेशन है, और उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया की 11.79% अर्बन पॉपुलेशन है, और उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया की 16.51% पॉपुलेशन है, ये पूछा था यहाँ पे। ये सब उसी से हैं, सेंसस से हैं ये। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। देखिए सेक्स रेशियो SC का 907 है और ST का 951, टोटल सेक्स रेशियो 912,
इसमें करेक्ट आंसर बताने थे आपको, और 51 का करेक्ट आंसर है ए, 102। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है उत्तर प्रदेश का वो 898 नहीं है, 902 है, बाकी दोनों सही हैं। अरेंज करना था इसमें से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी का, ये सब बता रखा है मैंने, इसलिए आप पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बी है इसका आंसर, सेंसस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। 53 में बताना है आपको ये जो है आपके डिस्ट्रिक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टोटल पॉपुलेशन बताना है। टोटल पॉपुलेशन में आप जानते हैं कि इलाहाबाद नंबर वन पे है और महोबा जो है वो सबसे लास्ट में है, बस उसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 आना चाहिए लास्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53 का डी हो जाएगा। 54 में आइडेंटिफाई करना है स्टेट जिसकी की हाईएस्ट, जो लार्जेस्ट लेंथ है रेलवे के में और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आंवला का, ऑब्वियस सी बात है यूपी ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यूपी है यहाँ पे, 54 का आंसर ए। ये सब मैंने दी हुई है, और सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वैसे अगर आप देखें तो ये यूपी में ही है जो रेलवे वाली लेंथ। 55 में आपको बताना है ये कौन सी जो कम्युनिटीज़ हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिकेडल ग्रोथ रेट यूपी में कैसे हुआ है उनके हिसाब से लगाना है, इसका आंसर है सी, ठीक है। 1, 2, 3 तो ये याद रखिएगा आप, 1, 2, 3 यानी कि सबसे कम जो डिकेडल ग्रोथ है बुद्धिस्ट, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, तो 55 का है सी यहाँ पे। 56 में इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, 1, 2, 3 इनकरेक्ट है ये, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट में कोई केस वेस फाइल नहीं किया जा सकता DPSP के लिए और नहीं इम्प्लीमेंट किए सकते हैं। 32 से 51 तक नहीं है, 30 अभी मैं बताऊंगा जब पॉलिटी वाला वीडियो, उसमें क्लियर हो जाएगा, और वैसे आपको पता ही होगा ये इसका तीनों ही गलत है। ये 57 का पूछ रहा है, उसका आंसर है सी, 1 और 3 ये दोनों लिखे हुए थे, यानी कि सोवरेन और डेमोक्रेटिक। ये जो सेकुलर है और आपका सोशलिस्ट है, इंटीग्रिटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, सोसाइटी मैंने बताया था 42nd Amendment के में जोड़ी गई थी। 58 में क्रोनोलॉजिकली लगाना है इसको, और इसका आंसर है ए, ठीक है। 312 नाबार्ड के बारे में पूरा बताया जा चुका है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में भी बताया जा चुका है, 2010 में बना था एक्ट के थ्रू, और 52nd Amendment तो वही था, अमेंडमेंट के बारे में सब बता चुका हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा, पूरा एक वीडियो बनाया था मैंने। 58 का ए है आंसर। बताइए कौन से अमेंडमेंट से जो है वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी, और कौन से अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया था। 59 का बताना है करेक्ट, और इसका करेक्ट आंसर है ए, दूसरा लग सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। 35 जो ए है आर्टिकल, वो उसमें कोई ऐसा मतलब अरेंजमेंट नहीं किया गया था, वो ऐसे ही जोड़ दिया गया था, उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत चर्चा में था इसलिए लिया था ये क्वेश्चन, तो पहला वाला गलत है। 59 का है आंसर ए। 60 में है सिटीजनशिप किस किस तरीके से पाई जाती है, वो सबसे रिलेटेड है, इसका आंसर है बी, ठीक है। 5 वे होते हैं एक्वायरिंग के करने के, और लूज़ करने के कितने वे होते हैं, 4 नहीं होते हैं, ये कितने वे होते हैं ये सारा कुछ बता चुका हूँ मैं, एक बार फिर से उसको रिवीजन करेंगे पॉलिटी वाले में। आंसर इसका लेकिन बी है, 3 होते हैं वैसे वे। फिर 61 में आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 और 3। सिटीजनशिप वाले जो आर्टिकल हैं वो 5 से लेके कहाँ तक डिफाइंड है, 12 तक नहीं है वो, ठीक है। तो कहाँ तक डिफाइंड है वो आप देख लीजिएगा एक बार, पॉलिटी के लिए मैं पूरा वीडियो लाऊंगा तब बताऊंगा, वैसे इसमें अभी मैं बता दे रहा हूँ बस आंसर। यहाँ पे 7 वाला और 6 वाला सही है, बाकी पहला वाला गलत है। 62 में आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, और इसका करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है सी, पहला वाला जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये जो है आपकी क्या नाम है, ये डिजिटल जेंडर एटलस जो था वो इसकी स्कीम थी HRD मिनिस्ट्री की थी वो, और दूसरा वाला सही है, IIP का जो बेस ईयर है वो 2011-12 कर दिया गया है। 63 में इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर है बी, मतलब दूसरा वाला जो है वो आपका गलत है, नॉर्थ कोरिया में अभी होंगे 2019 के एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप। ओ स्मार्ट ये क्या है, इस ये किसकी स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम है, ए है आंसर इसका। 65 में स्टेट आइडेंटिफाई करना है, और इसका करेक्ट आंसर है बी। 3 जो है यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, आप यहाँ से समझ गए होंगे, और ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
ब्रेन डेथ केसेस के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया है। 66 में आपको करेक्ट बताना है, इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है अनुष्का शर्मा ने जीता है, बाकी दोनों दूसरा तीसरा सही है। नहीं नहीं यहाँ पे करेक्ट बताना है, दादा साहब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड जो है वो अनुष्का शर्मा ने जीता है, और दूसरा तीसरा गलत है। ये उजवान जो है ये किसका है, तमिलनाडु का है, और पहली मीटिंग जो नीति फोरम की हुई थी वो त्रिपुरा में हुई थी। तो पहला गलत सही है, दूसरा तीसरा गलत है, ए आंसर इसका। 67 में बताना है कि ये दो स्टेटमेंट है इनमें से इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट वाला, इसका आंसर है डी, दोनों ही गलत हैं ये। ठीक है, मेजर फॉर्म जो आपका प्रैक्टिस किया जाता है तिब्बत, चाइना, कोरिया और जापान में, ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये महायान है, ये थेरावाड़ा नहीं है, ठीक है, महायान है ये आप पता होगा शायद। 68 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, ये बार बार वही बता नहीं सकता हूँ मैं यहाँ पे। 69 का है करेक्ट आंसर सी, यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो इंडस वैली थी वो कौन सी थी, ब्रॉन्ज एज थी, और गनेरी वाला फेमस साइट कहाँ की है, ये है पाकिस्तान में। 70 क्वेश्चन है इसमें, पर्युषणा, पर्युषणा ये किसका टर्म है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है जैन से। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है जैन की, और जनरली इसको अगस्त अगस्त के टाइम पे मनाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। 71 वाले का है डी। फिर 71 वाले में यहाँ पे बताना है आपको कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, इसका करेक्ट है बी। ठीक है, पहला वाला गलत है, क्योंकि ये DRDO ने जीता है मोस्ट इंफॉर्मेटिव पवेलियन, 105वां जो इंडियन साइंस कांग्रेस है। दूसरा तीसरा सही है, चंडीगढ़ ऐसा पहला नॉर्थ का सिटी बन गया है, डिजिटल ऑटोमेटिक स्पीड गन कैमरा फिट करने वाला, और 5वां जो मेज समिट हुआ है वो फिक्की न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, 72 में बताना है यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। 2 वाला है इसमें गलत, पहला वाला सही है। ठीक है, इसमें मित्र पर गमछा जा रही है इसकी ट्रिक है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ। 73 वाले में बताना है आपको करेक्ट, और इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। करेवा जो है वो टेरेस फार्मिंग के लिए। तो 73 का इसमें है आपका करेवा जो है वो किस लिए ये फॉर्मेशन होता है, जैफरान के कल्टीवेशन के लिए होता है मेनली। ठीक है, और जो दीपू पास है ये ट्राई पॉइंट बॉर्डर पे तो लोकेटेड है इंडिया चाइना म्यांमार के, लेकिन ये लिपू लेक जो है आपका उत्तराखंड में, उसके साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है, तो इसलिए गलत है ये। 74 आपको पहचाननी है इसमें से रिवर कौन सी है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसका आंसर है ए, नर्मदा। ये 3 स्टेट से पास होती है, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है हिरान करके। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। 75 में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी रिवर की, इसका आंसर है डी, चारों ये हेमावती, काबिनी, भावनी और अर्कावती, सारी जितनी भी रिवर्स हैं इनको ट्रिब्यूटरीज़ के साथ एक लिस्ट, एक पिक है मेरे पास, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, एक बार देख लीजिएगा इसको। 76 का आंसर है डी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, गंगा बेसिन लार्जेस्ट है और नर्मदा फिफ्थ लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, और फेमस हिल स्टेशन जो कोडाईकनाल है वो पलानी हिल्स में लाई करता है। ठीक है, 77 का आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, और इसका करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है मतलब सी, तीनों ही गलत हैं यहाँ पे। राइट टू पब्लिक ऑफिस जो है ये कोई फंडामेंटल, ये एक सिविल राइट है, और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं की गई थी। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है लीगली इनफोर्सिएबल भी नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। 78 का बताना है आपको कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन में आते हैं, तो ये है इसका आंसर आपका 78 का बी, तीनों ही आते हैं ये, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ और फ्री और फेयर इलेक्शन। इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, 79 का आंसर बी, ठीक है, 132 केशवानंद भारती केस, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 1985 में, राइट टू एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट बना है आपका 2002 में, 86 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें, 80 का आंसर है डी। ठीक है, चारों ही ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से अमेंड किया जा सकता है, कोरम, फिफ्थ, सिक्स शेड्यूल और सिटीजनशिप।
फंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल रेट ये क्या है ये बताना है। 81 का है सी, ये एक डीपीएसपी है, 39A में आता है ये, और ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इन माउंटेन रेंजेस को साउथ से नॉर्थ में अरेंज करना है। 82 का करेक्ट आंसर है बी, 1243। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे एक है कार्डमम, फिर अन्नामलाई है, सतपुड़ा है, नालकुंडा, अगर आप पूरा ये देखें पेनिनसुला में तो इस तरह से हैं ये, इधर विंध्या है, फिर सतपुरा है, ये विंध्या है सतपुरा, ठीक है, फिर इधर नालकोंडा है, और फिर इधर है कडेकी सीरीज, फिर पालकोंडा है, फिर यहाँ पे कहीं है नीलगिरी, ठीक है, फिर यहाँ सबसे नीचे है कार्डमम, तो सबसे नीचे आपकी होगी यहाँ पे ये कार्डमम वाली होगी, फिर उसके ऊपर और अगर इधर जाएंगे तो पचमलाई है, फिर ये शेवरॉय है, फिर जवाडी है, तो इस हिसाब से ये साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज करना था यहाँ पे। 83 में साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज करना है, इसका आंसर है सी, 1234। ठीक है, और ये क्या क्या है इसका, इसमें अगर आप देखें तो एशिया का लार्जेस्ट जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू में, और बरक वैली कहाँ पे है, असम में। लार्जेस्ट ओनियन यानी कि प्याज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का होता है महाराष्ट्र में। थर्ड लार्जेस्ट नंबर की जो राज्यसभा की सीट है वो है तमिलनाडु। 84 में कौन कौन से पोर्ट बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं, इसका आंसर है सी, तीनों ही ये जो पोर्ट हैं। ठीक है, काफ़ी सारे पोर्ट हैं इधर छोटे छोटे, ये तीनों ही लोकेटेड हैं। 85 में बताना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में, तो इसका आंसर होगा डी, 3142। इसमें एक्चुअली पहले पहचानना है वन क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, वीनस को। सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास हैं, जुपिटर के पास, और क्लोजेस्ट टू सन जो है वो मरकरी, और फिर ये अर्थ है, फिर इसको साइज में अरेंज करना है। 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट चूज़ करना है 86 का। अब देखिए प्लानट की बात चली तो एक और चीज़ समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा प्लानट है अगर आप देखेंगे, वो पहले बता दूँ यहाँ पे, सबसे बड़ा है जुपिटर, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर अर्थ है, तो अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट है, फिर वीनस है, फिर मार्स है, फिर मरकरी है, और सबसे छोटा तो प्लूटो तो है ही नहीं प्लानट, अब सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी है। 86 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, वीनस में ज़्यादा बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ भी, और दूसरा वाला भी गलत है। 87 में बताना है ट्रू यहाँ पे, और इसका आंसर है डी, 13। ठीक है, पहला जो लोकायुक्त है वो उत्तर प्रदेश के विशंबर दयाल थे, सही बात है, और तीसरा बर्थ प्लेस तुलसी का उत्तर प्रदेश में ही है लोकेटेड। दूसरा जो है इन्वेस्टर समिट जो यूपी में हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। 88 में बताना है पी जे जोसेफ जो कमेटी है वो इंश्योरेंस रिलेटेड है, डी है इसका। 89 में बताना है इनकरेक्ट, और इसका करेक्ट आंसर है ए, पहला वाला इनकरेक्ट है ये, दूसरा वाला सही है। ठीक है, और फिर 90 है कि शिवांगी पाठक जो इंडियन माउंटेनियर है, अभी सेकेंड इन्होंने ये हाईएस्ट पीक जो है अफ्रीका की वो स्केल की है, और ये कहाँ से है ये पूछा है, हरियाणा से है ये, 90 का ए है। 91 में आइडेंटिफाई करना है स्टेट, इसका आंसर है ए, असम है ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, और अभी स्टेट गवर्नमेंट एक प्रणाम स्कीम लॉन्च करेगी ताकि जो गवर्नमेंट स्टाफ है वो अपने पेरेंट की हेल्प मतलब देखभाल कर सके, उसके लिए उनके सैलरी वैलरी भी कटेगी कुछ, तो ये सब कहाँ पे है हुआ है, असम में। 92 का इसमें बताना है यहाँ पे कि जो कराकोरम रेंज है वो किस किस कंट्री में फैली है, तो 92 का करेक्ट आंसर है सी, 1 2 3 4 5। तुर्कमेनिस्तान में नहीं फैली है, बाकी सब जगह फैली है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजिकिस्तान, ये 92 का सी है। 93 में साउथ से अरेंज करना है नॉर्थ की तरफ, इसका आंसर है बी। ठीक है, ये एक बार आप देख, लुशाई हिल तो वैसे भी आप जानते हैं ये मीज़ो हिल बोलते हैं इनको, और ये सबसे साउथ में है, तो ये मैं बता चुका हूँ ईस्टर्न वाला कई बार। कौन सी जो आपकी रिवर है हिस्टोरी फाउंड करेगी जो ईस्ट फ्लोइंग होगी। ठीक है, तो 94 का करेक्ट आंसर होगा इसमें डी, कोई नहीं इसमें, क्योंकि ये सारी की सारी जो वेस्ट फ्लोइंग होगी वो करेगी हिस्टोरी, लेकिन ये सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग है। 95 में गोल्डन क्रेसेंट क्या है ये अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर है बी, एशिया में है ये, और इस एशिया के दो ऐसे रीजन है जहाँ पे अफीम का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एक है गोल्डन क्रेसेंट और एक है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एशिया में है ये।
96 का करेक्ट आंसर है ए 102। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किसका पार्ट है, ये है कराकोरम का, और रोशिकुलिया रिवर ये किसकी है, ये उड़ीसा की है। 97 का करेक्ट आंसर है सी, पांचों ही जो हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं इंडस की। ठीक है, तो 97 का है आपका सी। 98 में स्टेट बताना था, इसका आंसर है ए। इसकी नई कैपिटल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे की जाएगी। और आभार आपकी सेवा का, ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। फिर लास्ट, ये सेकंड लास्ट है ये, और 99 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, ये गलत यहाँ पे बताना है यहाँ पे। तो थीम जो है वर्ल्ड यूथ स्किल की ये नहीं थी, और पहला वाला सही है। इसराइल ने अभी एक जो लॉ पारित किया है कि ज्यूज के पास सिर्फ राइट होगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का, लास्ट है ये, और इसका आंसर है ए। ठीक है, पहला दूसरा करेक्ट है, नहीं इसमें पहला वाला करेक्ट नहीं है, ये यूपी जो है वो 7.33% एरिया है पूरे इंडिया का, दूसरा वाला यहाँ पे सिर्फ करेक्ट है, एरिया वाइज फोर्थ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट है, ये वन नहीं है, ये टू है सिर्फ। तो ये वाला क्वेश्चन था 35। देखिए मैं 100 वाले कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन वाले जितने भी हैं, जितने मैक्सिमम हो पा रहे हैं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लगातार प्रेशर की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, आपके लिए ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा।